जुलहज का चांद नजर आ गया। ईद उल अज़हा 29 जून को होगी। चेयरमैन रोइते हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद ने ऐलान किया। लाहौर की जोनल कमेटी ने चांद नजर आने की शहादत दी। वजारत मजहबी अमूर, महकमे स्पार्को, महकमे मौसमियात और वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी के नुमाइंदे भी मौजूद थे। जितने भी गवर्नमेंट के मुलाजमीन हैं उसकी 30% सैलरी को इंक्रीज कर दिया गया और जो जो मुलाजमीन जिनकी एज 80 से प्लस है उसकी सैलरी 20% को इंक्रीज किया गया इस बजट। पंजाब का 4 माह के लिए 17 खरब 19 अरब का बजट मंजूर। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफे की मंजूरी। पेंशन में 20% तक इजाफा। 80 साल से जायद उम्र के लिए 20%, 80 साल से कम उम्र वालों के लिए पेंशन में 5% इजाफा होगा। तनख्वाहों पेंशन के लिए 719 अरब मुख्तस किए गए। पंजाब का टैक्स फ्री बजट पेश। स्टैंप ड्यूटी 3% करने की तजवीज़ मुस्तरद। काबीना ने स्टैंप ड्यूटी को 1% पर बरकरार रखा। गरीब आवाम को आटे और बिजली पर 70 अरब का रिलीफ मिलेगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से सेल्स टैक्स खत्म, 10 अरब मुख्तस कर दिए। जजेस को घरों की तामीर के लिए 50 करोड़ रुपये का कर्ज देने की मंजूरी। सहाफ़ियों के लिए 1 अरब रुपये का इंडोवमेंट फंड मंजूर। मजदूर की तनख्वाह के लिए विफाक के मुताबिक काम किया जाएगा। बजट में तरक्याती मंसूबों के लिए 325 अरब रुपए मुख्तस किए गए। तालीम के लिए 195 अरब, सेहत के लिए 183 अरब, सोशल प्रोटेक्शन के लिए 70 अरब रखे गए हैं। ज़रात के लिए 65 अरब, आपाशी के लिए 18 अरब मुख्तस किए गए। 4 माह में 600 अरब का कर्ज उतारने का फैसला। पंजाब गंदम कीमत में रोज़ाना 25 करोड़ सूद अदा करता है। निगरान सूबाई वज़रा आमिर मीर और SM तनवीर कहते हैं कोई नया टैक्स नहीं लगाया, आवाम दोस्त बजट बनाया। लाहौर की ताजर बरादरी ने बजट को मुतवाजन करार दे दिया। सदर लाहौर चैम्बर काशिफ अनवर की IT सेक्टर के लिए इकदाम की तारीफ। सदर आजम क्लॉथ मार्केट मलिक जमान नसीम ने कहा मौजूदा हालात में नए टैक्सेस ना लगाना खुश आइंद है। नई मीर की बेहतरीन बजट पेश करने पर निगरान हुकूमत की तारीफ। वासा को पानी मजीद महंगा करने की इजाज़त। 5 से 7 मरला तक महाना टैरिफ 464 से बढ़ाकर 1160 होगा। 7 से 10 मरला तक टैरिफ 553 से बढ़ाकर 1383 रुपये किया जाएगा। 10 मरला से 15 मरला तक 642 की बजाय 1603 रुपये महाना वसूली होगी। 3 से 5 मरला तक 938 रुपये टैरिफ तजवीज़ पेश की गई। आटे के चंद 100 थैले और हजारों खरीदार। यूटिलिटी स्टोर्स पर आवाम का रश। खरीदारों के लिए आने वालों में धक्कमपेल। लाइनों में लगे लोग गर्मी से निढाल। मुजाफाती इलाकों और कच्ची आबादियों के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा मौजूद नहीं। ईद करीब आते ही सब्जियों की कीमतों को तड़का लग गया। प्याज सरकारी नीख 57, ओपन मार्केट में 70 रुपये किलो फरोख्त। टमाटर 65, आलू 85 रुपये किलो बिकने लगा। फल भी गरीब की पहुंच से बाहर हो गया। सेब 400 रुपये किलो, केला 350 रुपये दर्जन फरोख्त। आम और आलू बुखारा 350 रुपये किलो तक जा पहुँचा। ईद से पहले मवेशी मंडियां सज गईं। लखू डेर आए 20 मनवजनी बंटी के चर्चे। मनावा मवेशी मंडी में रुस्तम की धाक। राजू और मखनी भी आंख का तारा बन गए। शाहपुर कांजरा में साहिवाल नस्ल के बैलों की धूम। ऊंटों की जोड़ी भी किसी से कम नहीं। बकरे और छतरे भी दस्तयाब। शहर में गैर कानूनी मवेशी मंडियां सज गईं। कच्चा जेल रोड से मुल्हिका चंद्राई रोड पर गैर कानूनी सेल पॉइंट्स कायम। वाहगा जोन में LWMC डंपिंग पॉइंट के करीब खुद साख्ता मंडी लग गई। DC राफिया हैदर का नोटिस। गैर कानूनी मंडियों के खिलाफ दफा 144 नाफिज। शहर में गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। जोहर टाउन, इकबाल टाउन, गुलशन रावी में घंटों बिजली बंद। बंद रोड मोची गेट, मैकलोड रोड समेत दीगर इलाकों में जबरी लोड शेडिंग। बंद रोड ग्रिड स्टेशन की फनी खराबी 3 घंटे के बाद दूर कर दी गई। शहरियों को घरेलू अमूर की अंजामदही में मुश्किलात। शेख सैद अस्पताल का संगीन माली बुहरान। विफाकी हुकूमत ने हेल्थ अलाउंस की अदायगी रोक दी। मुलाजमीन हेल्थ अलाउंस क्वायद के बरक्स वसूल कर रहे हैं। 2015 से अब तक इजाफी अदायगी की रिकवरी की जाए। माली बुहरान से निकलने के लिए हस्पताल आमदनी बढ़ाए। वजारत कौमी सेहत का मशवरा।
कैंप जेल में सियासत के दो बड़ों की मुलाकात, चौधरी शुजात और सालिक हुसैन की कैंप जेल में परवेज इलाही से मुलाकात। एडमंड ब्लॉक में 50 मिनट तक मुलाकात हुई। साबिक वजीर आला को जेल में बी क्लास बी मिल गई। उधर पंजाब असेंबली में जाली भर्तियों के केस में फैसला महफूज, परवेज इलाही की दरख्वास्त जमानत पर कल फैसला सुनाया जाएगा। आमदन से जायद असासा जात केस, उस्मान बुजार की 12वीं तलबी का परवाना आ गया। नैब ने साबिक वज़ीर आला को 22 जून को तलब कर लिया। नैब ने उस्मान बुजार को रिकॉर्ड समेत पेश होने की हिदायत जारी की। उस्मान बुजार को 11 मरतबा तलब किया गया मगर वो मुसलसल गैर हाजिर रहे। फरद शहजादी के खिलाफ नैब तहकीकात, जी मंगोरिया हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ बाकायदा तहकीकात का आगाज़। गुजरांवाला डेवलपमेंट अथॉरिटी से मजकूरा सोसाइटी के बारे में तफसीलात तलब। फरद शहजादी की हाउसिंग सोसाइटी का NOC जारी हुआ या नहीं, तफसीलात तलब। सोशल मीडिया पर कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ मुहिम चलाने का इल्ज़ाम, FIA ने अली जैदी, आजम सवाती, कासिम सूरी को तलब कर लिया। तीनों सियासी रहनुमाओं को 20 जून को लाहौर ऑफिस पेश होने की हिदायत की। मालिक मकान और किरायादार के तनाजे का 27 साल बाद फैसला, हाईकोर्ट का किरायादार के फौरी बेदखली का हुक्म। किरायादार को बेदखल करवाने का केस लड़ते लड़ते मालिक मकान इंतकाल कर गया। यतीम बच्चों गुलाम मुर्तजा और शाजिया को हक मिल गया। निगरान वज़ीर आला का पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा, इमरजेंसी वार्ड्स का मुआयना, इलाज और मुआलजे की सहूलतों का जायजा लिया। मरीजों से PIC में फ़राहम करदा सहूलतों के बारे में इस्तफसार किया। एंजियोप्लास्टी गाइडिंग के थिएटर्स की किल्लत का नोटिस ले लिया। वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक को दिल की तकलीफ, डॉक्टर्स ने एंजियोग्राफी कर दी, दो स्टंट डाले, मुकम्मल आराम का भी मशवरा दिया। ख्वाजा साद रफीक ने फैमिली के साथ हज के लिए रवाना होना था। गवर्नर पंजाब से साबिक स्पीकर राणा मोहम्मद इकबाल की मुलाकात, मुल्की सियासी सूरतहाल और दीगर अमूर पर गुफ्तगु। बलीगुर रहमान ने कहा कि हुकूमत को मुआशी समेत मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है, चैलेंजेस से निपटने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। जशन बेनज़ीर भुट्टो शहीद की तैयारियों पर इजलास, सदर पीपल्स पार्टी लाहौर असलम गिल की ज़ेर सदारत लिबर्टी चौक में इंतजाम का जायजा। पीपल्स पार्टी पंजाब कौंसिल ने बीबी शहीद की सालगिरह की मुनासबत से तकरीब सजाई। अंजुम भट्ट डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद अशरफ निज़ामी अली बदर ने केक काटा। IG पंजाब की जिले शाह मरहूम के लवाहिकीन से मुलाकात, जिले शाह की वालिदा को हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। उस्मान अनवर से आज़ादारी कौंसिल पाकिस्तान का वफ्द भी मिला। इमाम बारगाहों, जलूसों और मजालिस की सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल, आमिर अली खान, शमशेर अली खान, अल्लाह वसाया, अलामा इश्तियाक काज़मी की शिरकत। SP इकबाल टाउन की पुलिस के गाजियों से मुलाकात, मोहम्मद उस्मान टीपू ने 9 गाजियों को हाथ पहनाए, बहादुरी का मुजाहरा करने पर फराज तहसीन पेश किया। मुलाकात के दौरान पुलिस के शहदा के लिए दुआ भी की गई। चीफ इंजीनियर LDA का समनाबाद अंडरपास मंसूबे का दौरा, इसरार सईद ने फेसिंग वॉल्स, रोड कारपेटिंग की तैयारी का जायजा लिया। सर्विस रोड और अंडरपास के अतराफ में तमीराती काम भी देखे। कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से बछड़ा कुर्बान किया गया। GC यूनिवर्सिटी का MPhil तुलबा और असातिज़ा के लिए बड़ा रिलीफ, MPhil गोल्ड मेडल तुलबा की PhD फीस माफ करने का फैसला। रिसर्च सुपरविजन के मुआवजे, योमिया उजरत में भी इजाफा होगा। फाइनेंस एंड प्लानिंग कमेटी की 33वें इजलास में मंजूर। लाहौर कॉलेज बाय खवातीन यूनिवर्सिटी में रिसर्च अवार्ड्स की तकरीब हुई। फैकल्टी मेंबरान को हाई इम्पैक्ट फैक्टर पब्लिकेशंस पर अवार्ड्स मिले। प्रोफेसर डॉक्टर बुशरा मिर्जा ने फैकल्टी की मेहनत और गैर मामूली कारकर्दगी को सराहा। पाकिस्तान फुटबॉल टीम को भारत के लिए वीज़े जारी, भारतीय वीज़े मॉरिशियस से जारी हुए, जबकि कौमी टीम अपना पहला मैच 21 जून को भारत के खिलाफ खेलेगी। दौरा श्रीलंका की तैयारियां, फास्ट बॉलिंग के कैंप में 11 बॉलर्स की शिरकत, जबकि LCCA ग्राउंड पर 3.5 घंटे तक ट्रेनिंग करवाई गई।